अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और माफ़ कीजिएगा इतने लेट व्लॉग डाल रही हूँ, इतना बिजी चल रही हूँ। एक्चुअली हम लोग आज मम्मी के घर जा रही थी भाई के साथ, तो बस रेडी वेडी हुए, खाना नाश्ता वाश्ता किया, एक सवाई का टाइम था तो हम लोगों ने सोचा कि निकल जाए। मेरा भाई तो जा रहा, तो मैंने कहा चलो मैं भी इनके साथ चली जाती हूँ। अम्मी के वहाँ अम्मी की तरफ एक दो फंक्शन है, मामू के बेटे की इंगेजमेंट है, तो मैंने वहाँ से कॉल आई थी, इनवाइट किया था उन्होंने, तो मैंने कहा चलो भाई के साथ ही निकल जाती हूँ। और ये कि बस हम लोगों ने काम वाम किया और निकल गए। ये बतीनी स्टॉप है हैदराबाद का, ये स्टॉप तो सभी जानते होंगे, मुझे शायद इसका नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बतीनी स्टॉप। और यहाँ से सारे मीपूहास की गाड़ियाँ भी जाती हैं, कराची की गाड़ी भी जाती हैं, मतलब चारों तरफ की गाड़ियाँ जाती हैं। तो हम लोग स्टॉप पर आ गए। कहाँ जा रहे हो? और यहाँ बस हम लोग बैठे हैं, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो बस ऐसे मैं अपने भाई के साथ बातें बातें कर रही थी, भाई का थोड़ा सा देख रही थी नज़ारा, बस ऐसे ही मूसा थोड़ा तंग कर रहा है, मूसा इतना तंग करता है, मूसा शुरू शुरू में खुश होता है कि हमें कहीं मैं जा रहा हूँ, जब ये एक जगह बैठे बैठे बोर हो जाता ना, फिर इतना तंग करता है, इसको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मुझे गाड़ी से उतार दो। बस ये कि हम लोग गाड़ी में बैठे तो उसे गाड़ी भर गई, तो फिर वो चलना स्टार्ट हुई, चल भी इतनी ऐसा ऐसा रही है मैं आपको बता नहीं सकती, अल्लाह अल्लाह करके। मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से घर पहुँचूँ, लेकिन इतना मैं लेट हो चुकी थी, हम इतना लेट हो गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर हम लोगों को एक बैड न्यूज़ मिली कि टोल प्लाज़ा बंद है, सारी गाड़ियाँ बंद हैं, कोई जगह गाड़ी नहीं जा रही। हम इतनी टेंशन में, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या। मैंने भाई को बोला अगर गाड़ियाँ बंद हुई ना तो मुझे मेरे घर पहुँचा देना वापस किसी भी तरह, क्योंकि जाहिर है हम लोग, मैं कभी निकलती नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि भाई कुछ हो ना जाए, बच्चे का साथ है। मैं अपने भाई को बहुत गुस्सा कर रही हूँ कि बस मुझे घर पहुँचा देना, गाड़ी निकलनी चाहिए। और फिर शुक्र अल्लाह का कुछ ऐसा सीन हुआ कि गाड़ी वाले ने कहीं बीच में से रास्ता कहीं जा रहा है तो उसने वहाँ से निकाल लिया, लेकिन यहाँ से हम बड़े 2-2.5 घंटे में ये मैं अपने घर जाके पहुँचे, 2.5 घंटे में, 3-4 घंटे में मैं घर जाके पहुँची। और बस ऐसे मूले थे, भट्टे भट्टे थे, फिर पता लगा कि ये टंडो हैदर है, यहाँ से इन्होंने बीच में से रास्ता निकाला है, तो यहाँ से गाड़ी वाला जा रहा था, वो घुमाता घुमाता पूरा 1.5 घंटा हम लोग ऐसे ही टूटे फूटे रोडों पे चलते रहे, समझ नहीं आ रहा कहाँ फिर है। पहले परेशानी हो रही है कि हम लोग खैरियत से घर पहुँच जाएंगे, लेकिन थोड़ा डर होता है जाहिर ऐसी हम जगहों से निकल रहे, बड़े कंजेस्टेड इलाका ये लग रहा था, लोग जाहिर ऐसे हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ऐसे इलाके ऐसे लोग हैं, हर कोई हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। फाइनली हम लोग मीपू खास के टोल प्लाज़ा पे पहुंच गए, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा साफ सुथरा टोल प्लाज़ा है। टाइम तो लगता है ज़ाहिर है, आपको 5-10 मिनट वेट करना होता है, उसके बाद ही आप लोग आगे की तरफ रवाना होते हो, पर ये कि हम लोग बस बैठे थे। और शुक्र है कि मूसा भी सो गया, मूसा इतना मुझे तंग कर रहा है, इतना तंग कर रहा है, एक तो हम लोगों को टाइम इतना हो गया, इसको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, मैं इसका पानी साथ अपने रखना भूल गई, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि मैं उसको क्या पिलाऊं, लेकिन शुक्र ही सो गया तो थोड़ी तो टेंशन हल्की हो गई थी। और बाकी हम लोग चले जा रहे हैं, और मेरा भाई भी सो गया, मूसा भी सो गया, इतना लंबा, इतना हमें लंबा सफ़र लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग कराची से आ रहे हैं। बस ये कि ये दोनों सो गए थे, मुझे नींद नहीं आ रही, मैंने कहा मैं क्या करूँ, बस मैं इसी मोबाइल लेके वीडियो बनाने पड़ेगी, मैं छोटी छोटी चीज़ें क्लिप की, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हर कोई तंग आ गया था। और बस ये कि कुछ ऐसा ही एक भी हम लोग मीपूहास शहर में से गुजरे हैं, ये मीपूहास पूरा मीपूहास है, ज़्यादा कुछ मैंने यहाँ का कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैं खुद तंग हो गई थी, बैठे बैठे एक जगह पर आप तंग हो जाते हो। और फिर शुक्र है हम लोग अपने शहर में, अपने इलाके में पहुंच गए, शहर में घुसते इतना सुकून मिलता है कि इतना सुकून मिल जाता है कि हाँ हम अपनी जगह पे आ गए, मैंने यहाँ पे सामान वामान उतरवाया, तो फिर हम लोग लास्ट पर अपने घर चले गए। मुझे लगा नीचे सब होंगे, नीचे कोई नहीं था, सब ऊपर थे, तो मैंने सब ऊपर जाने से पहले अपना बस कैमरा बंद कर दिया। और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।